हेलो फ्रेंड्स, भोजन पोटली में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फलाहारी रोस्टी। जी हाँ, जिसे आप किसी भी व्रत में खा सकते हैं। इसके लिए मैंने 3 से 4 आलू को ग्रेट कर लिया और उनका अच्छे से पानी निचोड़ के एक मिक्सिंग बाउल में ले लिया। अब मैं देखिए, सारे आलू मैंने ले लिए हैं। अब मैंने इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया, करी पत्ता, अदरक, हरी मिर्च मिलाई। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा आटा, मैंने यहाँ कुट्टू का आटा यूज़ किया, आप सिंघाड़ा या राजगिरा कोई भी ले सकते हैं, डाला। इसके बाद थोड़ा सेंधा नमक, मैंने थोड़े से पीनट्स को रोस्ट करके क्रश कर लिया था, वो भी इसमें मिक्स कर दिए ताकि एक क्रंची फ्लेवर दें। अब इसमें लास्ट में थोड़ा सा दही मिलाया और इसका एक सेमी लिक्विड डो लगा लिया। जी हाँ, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। फ्रेंड्स, डो बनाते हुए ध्यान दीजिए क्योंकि ये रखा रखा भी पतला हो जाता है। अब मैंने एक नॉन स्टिक पैन पर थोड़ा सा घी लगाया और हाथ की सहायता से इसको फैला लिया है। फैलाते हुए भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत पतला नहीं होता, थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। 1 मिनट बाद इसे पलट दिया और दोनों तरफ से हल्का हल्का घी लगाकर इसे क्रिस्पी होने तक सेक लिया। तो फ्रेंड्स, तैयार है आपका व्रत स्पेशल रोस्टी, जिसे आप रोस्टी या आलू चीला, पैनकेक कुछ भी बोल सकते हैं। तो बनाइए फ्रेंड्स। हमारी सारी रेसिपीज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। तो बनाइए। थैंक यू।